हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि आप जो है पेटीएम के वैसे ही डिटेल कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, किसी और का जो है पेटीएम में केवाईसी करने के टाइम डिटेल सेंड कर देते हैं, मतलब उसका जो है डाल देते हैं किसी और का। तब आप जो है कैसे उसको जो है चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिनी केवाईसी में कैसे आप चेंज कर सकते हो, फुल केवाईसी में कैसे चेंज करते हैं और होता है कि नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेटीएम मिनी केवाईसी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप जो है यहाँ पे किसी और का डॉक्यूमेंट का डिटेल डाल के मिनी केवाईसी किए थे, ठीक है ना, जैसे कि आप जो है अपने भाई बहन या मम्मी पापा या किसी का भी जो है दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उनका जो है पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा जॉब कार्ड, जो भी आप जो है यहाँ पे डिटेल डाल के यहाँ पे केवाईसी किए हो मिनी केवाईसी, अगर आप जो है उसको चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे चेंज होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जो है यहाँ पे मिनी केवाईसी किसी और के नाम से करते हो तो आप जो है उसके बाद जैसे ही आप जो है अपने पेटीएम का फुल केवाईसी करोगे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये मिनी केवाईसी होता है, उसके बाद जो है अगर आप जो है फुल केवाईसी करोगे तो आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप जो है यहाँ पे अपना जो है खुद का जो है आधार कार्ड या किसी का भी आधार कार्ड लगाने वाले हो, मतलब चेंज करने वाले हो, तो आप जो है आधार कार्ड ले जाकर आप जो है पेटीएम शॉप में चले जाना, भैया पेटीएम का केवाईसी कर दो फुल केवाईसी, तो वो जो है आपका आधार कार्ड लेगा और आधार कार्ड से वो केवाईसी करेगा। तब आपका जो है जो भी आपने जो है यहाँ पे मिनी केवाईसी किया है किसी और के डॉक्यूमेंट से, तो वो जो है हट जाएगा और आपका जो है आधार कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा पेटीएम का केवाईसी वगैरह करने के बाद, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों, अगर आप जो है पेटीएम का फुल केवाईसी का जो डिटेल होता है उसको चेंज करने वाले हो तो कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरा नाम बता रहा है और यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ पे इस पेटीएम का जो है फुल केवाईसी हो चुका है। चलिए आपको यहाँ पे क्लिक करके और भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है केवाईसी वेरीफाइड, मतलब यहाँ पे पेटीएम का जो है फुल केवाईसी हो गया है। और नीचे में जिस डॉक्यूमेंट से, जैसे कि जिस आधार कार्ड से जो है पेटीएम का फुल केवाईसी हुआ है, उसका यहाँ पे डिटेल बता देगा, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा नाम बता रहा है। तो दोस्तों, अगर आप जो है पेटीएम का फुल केवाईसी जो है किसी और के डॉक्यूमेंट से करते हो तो चेंज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप जो है पेटीएम केवाईसी शॉप में जाना और वहाँ पे बताना ऐसा सा बात है करके, तब जो है कुल मिला के जो है सबसे पहले इसका जो है केवाईसी को हटाएंगे वो, उसके बाद जो है आपका जो है खुद का जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप जो किसी और का आधार कार्ड या फिर किसी और का जो है केवाईसी यहाँ पर यूज़ करते हो तो ऐसा आप जो है कर सकते हो, शॉप चले जाना, शॉप में ही होगा, उसके अलावा कहीं और नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप जो है हमारे YouTube चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम कुत्तों से बात नहीं करते।